हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें इलाहाबाद से, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव कराने का आदेश दे दिया गया है। स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द होने का मामला था और अब इस सीट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला कर दिया है, उपचुनाव करने का आदेश जारी कर दिया है। एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है और हाईकोर्ट ने फौरन चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। रामपुर की स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर हाईकोर्ट में फैसला सुना दिया गया। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वार में भी विधानसभा चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है और हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आपको बता दें, फिलहाल यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और अब ये 8वीं सीट होगी जिस पर उपचुनाव होगा, क्योंकि आजम खान के बेटे का यहां पर चुनाव रद्द कर दिया गया था। मोहम्मद मोइन का हम रुख कर लेंगे, जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जरा विस्तार से आप समझाइए इस आदेश के बारे में और कब तक चुनाव का ऐलान वहां पर हो सकता है। हो रहा है, जबकि रामपुर की स्वार सीट जिस पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द हुआ था, उस पर उपचुनाव नहीं कराया जा रहा था। चुनाव आयोग की यह दलील थी कि चूंकि अब्दुल्ला आजम की एक अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से वहां चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की इस दलील को खारिज कर दिया और वहां पर फौरन चुनाव कराए जाने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता के वकील हैं पांडे जी जो है वो साथ में, हम उनसे सीधे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दलील, आप बताइए आपकी तरफ से क्या प्रेयर की गई थी और क्या दलील दी गई। हमारा आज का कुल इस याचिका में हमारा कुल मिलाकर के यही था कि चूंकि 6 महीना से ज़्यादा हो चुका था इस सीट को खाली हुए, उनका जब इलेक्शन वॉइड हो गया था अब्दुल्ला जी का, और 6 महीने से ज़्यादा हो गया था तो कानूनन इसमें भी इलेक्शन डिक्लेयर होना चाहिए था। और इसी के लिए हमने वहाँ के पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद के द्वारा यहाँ याचिका की थी और उस याचिका में दोनों पक्षों को और सरकार के डबल AG दो आए थे, उन सबको सुन करके माननीय कोर्ट ने कहा है कि इसमें तुरंत चुनाव इसमें डिक्लेयर किया जाए और चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। ये बताइए कि हाईकोर्ट का आज जो आदेश आया है, क्या कोई टाइम दिया है कि कितने समय के अंदर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करे, कार्यक्रम जारी करे, या क्या कुछ कहा है? जी नहीं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन उसमें तुरंत इसको स्टार्ट करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस को तुरंत स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ने अब से कुछ देर पहले जो आदेश दिया है उसमें यह कहा है कि रामपुर की स्वार सीट पर भी तुरंत नोटिफिकेशन हो, वहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जाए और जल्द से जल्द चुनाव वहां भी संपन्न करा लिए जाएं। बिल्कुल मोइन, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेश, क्या अब ये समझा जाए कि जो 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं उसके साथ जो ये 8वीं सीट है रामपुर की स्वार सीट, इस पर भी चुनाव संभव? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है हाईकोर्ट का और 8 सीटों पर चुनाव होना था और 8 सीटें खाली थी, लेकिन जब स्वार सीट पर नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ चुनाव आयोग की तरफ से तो सवाल उठा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। लेकिन जब जिस तरीके से फैसला आया हाईकोर्ट का, ये काफी महत्वपूर्ण, और ऐसे में स्वार सीट पर अगर चुनाव होता है तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। जिस तरीके से आजम खान के परिवार को लगातार झटके मिल रहे हैं, ये भी हाईकोर्ट का जो फैसला है ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अगर हम उपचुनाव के मद्देनजर देखें तो ये काफी दिलचस्प हो जाएगा सभी पार्टियों के लिए, और खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मद्देनजर हम देखें तो, यानी ये स्वार का जो सीट है, 8 विधानसभा पर अगर चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल नजरें अगर कहीं होंगी तो स्वार सीट पर होंगी कि आजम खान के बेटे से खाली हुई सीट है और वहाँ काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। और एक हाईकोर्ट का और इस पर इंतजार किया जा रहा है कि सब क्या पार्टी फैसला करती है, कौन से कैंडिडेट होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में है कि आजम खान परिवार का जो वर्चस्व है रामपुर और रामपुर के आसपास उसे कैसे हटाया जाए,
और फोर्सेस से अगर हम माने तो स्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जया प्रदा हो सकती है, बड़ी खबर के दर्शकों को दी जाए, क्योंकि पार्टी ने इस बात को लेकर एक प्रश्न की थी कि स्वार सीट से जया चुनाव उठाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस बात पर तहत विचार किया था जब नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो स्वार सीट से जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हो सकती है और काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। बिल्कुल वीरेश, देखिए अगर चुनाव के लिहाज से देखें तो वाकई में ये जो मुकाबला होगा दिलचस्प होगा, क्योंकि रामपुर के आसपास की जितनी भी सीटें हैं वहां पर आजम खान का कितना वर्चस्व है ये हर कोई जानता है, ऐसे में भाजपा किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखती है जरूर देखने वाली बात होगी। शुक्रिया वीरेश आपका तमाम जानकारी के लिए। मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, हाईकोर्ट ने तो फैसला दे दिया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये जो फैसला है ये आजम परिवार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने जब यहां पर कार्यक्रम नहीं जारी किया था, जो नोटिफिकेशन 30 सितंबर को हुआ था उसमें स्वार सीट शामिल नहीं थे, तो आजम खान के परिवार के लिए एक उम्मीद थी कि शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी और उनकी ये सीट बची रह सकती है। लेकिन अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करे, चुनाव का प्रक्रिया शुरू कराए, चुनाव सम्पन्न कराए, तो यह आजम खान और उनके परिवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जब एक बार नया चुनाव हो जाएगा तो वहां पर उस सीट पर बने रहने की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। तो कहा जा सकता है कि इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को तमाम मामलों में जो है वो झटके मिल रहे हैं, तो आज का जो फैसला है वो आजम खान और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका है और उसमें उनको कोई राहत मिलने की अब कोई उम्मीद बचती दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल मोइन, आपके साथ याचिकाकर्ता भी मौजूद हैं। कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या हुआ, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, ये भी जरा जानने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं पांडे साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे, विक्रांत पांडे, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से कोर्ट में क्या दलील दी गई, क्या कुछ आपने कहा, किस तरह कोर्ट को आप संतुष्ट कर पाए। देखिए, ये पूरा आज का जो केस था ये पूरा का पूरा विधि पर आधारित था, कानूनी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बहुत स्पेसिफिक सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 98 जिसमें कोई अगर व्यक्ति गलत पाया जाता है तो अयोग्य हो जाता है, सेक्शन 107 जब उसकी अयोग्यता हो जाती है तो उसके तहत उसका चुनाव रद्द करते हुए नया चुनाव आयोग को भेज दिया जाता है, सेक्शन 116A में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अपील फाइल कर सकता है, सेक्शन 116B जिसमें वो अपने उस आदेश के खिलाफ जो हाईकोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ स्टे ले सकता है, इसके बाद भी अगर उसका स्टे नहीं होता है तो उसकी सीट को वैकेंट माना जाएगा और इसके लिए सेक्शन 150। आप हमें थोड़ा सा आम आदमी की भाषा में ये समझाइए कि चुनाव आयोग ने क्या दलीलें दी, चुनाव आयोग ने क्या कहा और फिर आपने कोर्ट को कैसे संतुष्ट किया। चुनाव आयोग का कहना था कि इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है इसलिए हम इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस पर न्यायालय ने उनसे बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या अनंत काल तक अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील चलती रही, 20 साल तक नहीं डिसाइड हुई, तो क्या आप नया उसमें चुनाव नहीं कराएंगे। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ और इसलिए अदालत ने उनकी दलीलों को नहीं मानते हुए हमारी याचिका को अलाउ कर दिया और कहा कि इसमें तुरंत तत्काल इलेक्शन कराए। अच्छा, आपने अपनी सर्जी में स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया था, दो दो डबल एजी जो है वो बहस कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले तो उनके जो डबल एजी आए थे उनका स्टैंड थोड़ा सा मेरे विपरीत था, लेकिन बाद में जब आज शाम को जब उसमें बहस हुई तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि इस पूरे प्रकरण से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने एक बार नोटिफाई कर दिया कि ये सीट वैकेंट है, तो अब इसके बाद चुनाव आयोग और याची के बीच का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया था, उसकी तरफ से ये बताया गया कि इसी साल 27 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव आयोग को ये सूचना दे दी गई थी कि रामपुर की स्वार सीट जो है वो खाली हो गई है और वहां पर चुनाव कराया जा सकता है। तो गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में थी, चुनाव आयोग को फैसला लेना था, चुनाव आयोग ने इस सीट को छोड़ दिया था, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि वहां पर भी चुनाव कराया जाए,
जाए, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां तो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनके 7 चुनाव करा पाना संभव नहीं है, लेकिन अगले 1 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग इस सीट पर भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और 1 हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया यहाँ भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल, जल्द से जल्द मोइन यहाँ भी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मोइन, ऐसे में ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, ये भी समझना चाहेंगे, जिस अर्जी के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव ना कराने का फैसला लिया था, अब उस पर आगे क्या संभावनाएं बनती हैं? अब्दुल्ला आजम के पास क्या कोई संभावना है, क्या कोई अभी भी ऐसा उनके पास रास्ता बचता है जिससे वो अभी भी यहाँ पर काबिज रहने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया था और अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। उस फैसले को अब्दुल्ला आजम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी यह मामला पेंडिंग है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंट्रीम ऑर्डर जारी नहीं किया है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है, और यही एक पॉइंट था जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले का सबब बना। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि अगर अब जल्द से जल्द रामपुर की स्वार सीट पर भी मुकाबला होगा, यहां पर भी उपचुनाव होगा, और देखने वाली बात यह है कि कितना दिलचस्प चुनाव होगा और कौन यहां पर बाजी मारता है। शुक्रिया आपका मोइन तमाम।